Quakers who came out to pay their last homage for their respected leader. And if you go a little back, such incidents have taken place in our country where such eminent leaders have died, and cities like Calcutta or Mumbai, Calcutta in case of Jyoti Basu, has had come to a standstill for a few while. And that is the spontaneous reaction of the people, which we should all respect. Because in a democracy, we do understand that there would be opposition, and we also respect the opposition, but people should also respect the sentiments of a certain section of the society. हमने किसी को जोर से रोका नहीं था. बहुत लोगों ने, बहुत लोग खुद बाहर आए थे बाला साहब के लिए. तो अगर उससे एक दिन लोगों को दिक्कत होती है तो होती है. But you do realize that the Shiv Sena carries a very aggressive image in the minds of the general public, and people are scared, and you do accept that. And there are times when the Shiv Sena has used this to their advantage for vandalizing public property and for carrying out what they think is right. The people who had come down a lot. उनकी देहांत पे उधर खड़ा था, उनके साथ खड़ा था, पूरा महाराष्ट्र खड़ा था, वो सही बात है. तो आप बोलते हैं कि मुंबई उस महाराष्ट्र का पार्ट नहीं है क्या? और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप रिप्रेजेंट करते हैं मुंबई को, आपकी पार्टी मुंबई महाराष्ट्र, और मुंबई मैक्सिमम सिटी है, 24 आवर्स लाइफ चलती रहती है. आप अगर उसकी स्पिरिट को ही नहीं जान सके तो फिर आप क्या उनको रिप्रेजेंट करने की बात? स्पिरिट का बात नहीं है, बात यहाँ पे इस बात की है कि मराठी मानुष को हमने नहीं कहा आप दुकानें बंद करो, वो उनकी भावना, वो है, उनकी स्पिरिट थी कि वो आए. दो बाला साहब जैसे लीडर की तपस्या का फल है वो. आज वो नहीं है तो सारे लोग अपने दुकान बंद करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. हमने किसी से ऑफिशियली नहीं कहा. लोगों के दिल में बाला साहब के लिए इतना रेस्पेक्ट है तो आपको एक फोर्स बंद करने की क्या जरूरत है? अगर आपको लगता है कि देयर इज रेस्पेक्ट फॉर हिम, पीपल विल कम आउट. आई हैव लिव्ड इन महाराष्ट्र एंड आई हैव रेस्पेक्ट फॉर हिम, आई विल कम आउट. व्हाई यू फोर्सिंग हिज, आई थिंक ही इज मच बिगर पर्सन टू फोर्स समवन टू गिव रेस्पेक्ट. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. यू आर डेरोगेटिंग बाला साहब बाई डूइंग सच एक्शंस. और उसके बाद आप इस जो कोई डेरोगेटरी अपने दिन फ्रीडम स्पीच, यू कांट कंट्रोल समवन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हिज ऑफ हर थॉट्स. आप कैसे किसी को रोक सकते हो? आप मुंबई स्पिरिट में ये नहीं बोल सकते कि एवरीवन इज इन्वॉल्विंग. जो आना चाहते हैं वो आने की बात है, आप किसी को जबरदस्ती नहीं आ सकते. आप शांति से बात करें, हम इधर शांति से बात. एक्चुअली देयर इज समथिंग कॉल्ड एन आईपीसी एंड एन आईटी एक्ट इन आवर कंट्री व्हिच प्रिवेंट्स द कॉमन पीपल फॉर यू नो इंस्टिगेटिंग रिलीजियस सेंटीमेंट. ओके, आप लोगों ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्. लड़कियों को अरेस्ट किया गया, ठीक है, मैं मान सकता हूँ. लड़कियों के अंकल के हॉस्पिटल में जाके आप लोगों ने तोड़फोड़ किया. यहाँ पे कहाँ धर्म है? आप लोग अधर्म फॉलो नहीं कर रहे हैं? आप लोग खुद बोल रहे हैं अभ्युत्थानम अधर्मस्य. हम बख्शेंगे नहीं उनको उस चीज के लिए, उनको उस चीज के लिए दंड दिया जाएगा. लेकिन आप ये भी समझिए कि लोग जो है इस टाइम अपने उनका लीडर, उनके भगवान, उनके पिता की मृत्यु हुई है, ऐसे में कौन अपना धैर्य नहीं खोता है? आपको भी समझ. बाला साहब हिमसेल्फ यूज्ड टू ड्रॉ अ लॉट ऑफ पिक्चर्स रिगार्डिंग मेनी पॉलिटिशियंस ऑफ हिज ईरा. ही यूज्ड टू रेज हिज ओपिनियन इन क्वाइट अ हार्श मैनर एज वेल. सम ऑफ देम वेर इवन डेरोगेटरी एज यू राइटली पॉइंटेड आउट. डोंट यू थिंक दैट इज इंसल्टिंग हिज इमेज इफ यू एक्चुअली क्रिटिसाइज समवन हू इज डूइंग द सेम व्हिच ही हिमसेल्फ. A derogatory. You use the word derogatory. He never portrayed anybody in a derogatory manner with his cartoons. Okay?